हाय फ्रेंड्स, होप आप सब सेफ हो। नॉर्मली फ्रेंड्स, मैं सेल्फ डेवलपमेंट के लिए वीडियोस लाता हूं, पर अभी एक दो दिन से मैं सोसाइटी के हित के लिए वीडियोस बनाना शुरू किया। रीजन, अभी उन वीडियोस की सबसे ज्यादा जरूरत है। फ्रेंड्स, कल हमने ब्लड डोनेशन के बारे में देखा था कि आपके लिए कैसे वैक्सीनेशन पे जाओ उसके लिए पहले ब्लड डोनेशन करना बहुत ही आवश्यक है। एंड फ्रेंड्स, दूसरी एक चीज आज हम डिस्कस करने वाले आने वाले 3-4 मिनट में, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू प्लाज्मा डोनेशन। फ्रेंड्स, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज आप ये वीडियो एंड तक देखिए और सारी डिटेल्स अपने दिमाग में रखिए। राइट, अगर आप रिकवर हुए हो और आप एलिजिबल हो तो आप प्लीज प्लाज्मा डोनेशन करिए, इट इज वेरी सेफ। हम उसके ऊपर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लस अगर आपको अभी कोविड नहीं हुआ तो यू आर वेरी सेफ, बट आप दूसरों को मोटिवेट कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद जो सच में एलिजिबल है प्लाज्मा डोनेशन के लिए। एंड इन इस वीडियो को जितनों को हो पाए उतनों को शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, दो गुड न्यूज फॉर प्लाज्मा इज, पहली चीज, एक प्लाज्मा डोनेशन 3 लोगों की जान बचाने में हेल्प कर सकता है। एंड दूसरी चीज, अगर आपने प्लाज्मा डोनेट किया तो वो अगर यूज नहीं हो पाए तो क्या, अभी की हालात देखते हुए तो फ्रेंड्स, अगर 100 लोगों को प्लाज्मा की जरूरत है तो 5 प्लाज्मा अवेलेबल है। पर इनकेस अगर बाद में ये सिचुएशन सुधर जाती है तो आपका किया गया डोनेशन कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, बिकॉज ये प्लाज्मा जो आप डोनेट करते हो वो 12 महीने तक प्रिजर्व हो सकता है। अब फ्रेंड्स, प्लाज्मा डोनेशन के बारे में थोड़ा जान ले तो प्लाज्मा डोनेशन हमारे ब्लड का एक येलोइश पार्ट होता है, राइट, जो किसी डिजीज से रिकवर्ड पेशेंट में से लिया गया हो तो वो दूसरे पेशेंट को हेल्प कर सकता है उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने में, बिकॉज प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज होते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, कौन प्लाज्मा डोनेशन के लिए एलिजिबल होता है? कोई भी इंसान जो कोविड में से रिकवर हुआ हो, उसकी एज 18 ईयर्स मिनिमम से लेकर 65 ईयर्स तक की होनी चाहिए। उसका हीमोग्लोबिन लेवल 12.5 या उससे प्लस होना चाहिए। कई बार 11-12 वाले हीमोग्लोबिन लेवल वाले भी डोनेट कर सकते हैं। एंड उसका वेट 55 kg या उससे ज्यादा होना चाहिए। मोरओवर फ्रेंड्स, प्लाज्मा डोनेशन एंड कोविड रिकवरी के बीच में क्या समय अंतर होना चाहिए? तो एक बार आप प्लाज्मा में से रिकवर होते हो उसके बाद मिनिमम 28 दिन यानी करीबन 1 महीने के बाद आप प्लाज्मा डोनेशन के लिए एलिजिबल होते हो। एंड कब तक आप प्लाज्मा डोनेशन कर सकते हो? 3 से 4 महीने तक, यानी रिकवर होने के बाद 90 से 120 दिन तक आप प्लाज्मा डोनेशन कर सकते हो। पर हाँ, आखिरकार आप प्लाज्मा डोनेशन, भले आप ये समय में प्लाज्मा डोनेशन के लिए जाते हो, पर आखिरकार आप प्लाज्मा डोनर बन सकते हो कि नहीं, वो डिपेंड करता है आपके अंदर, आपके ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज है कि नहीं। नॉट टू वरी, वो ब्लड बैंक जो है वो आपका टेस्ट करेंगे एंड वो डिसाइड कर लेंगे। Moreover, बहुत इंपॉर्टेंट, हु कैन नॉट डोनेट प्लाज्मा, कौन प्लाज्मा डोनेशन नहीं कर सकता है? तो फ्रेंड्स, अगर कोई लेडीज या गर्ल्स प्रेग्नेंट हुई हो कभी भी तो वो प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते। अगर आपको कोविड हुआ था या किसी को भी कोविड हुआ था और उसने कोविड में से रिकवर होने के लिए खुद अगर प्लाज्मा ली हो तो वो प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकता। अगर आप कोई क्रोनिक डिजीज से सफर कर रहे हो, BP, HIV, ऐसा कोई मेजर डिजीज है तो आप डोनेट नहीं कर सकते। आपने कोई मेजर सर्जरी की हो अभी रिसेंट पास में तो भी आप डोनेट नहीं कर सकते। पर फ्रेंड्स, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आप डोनेट करने के लिए इच्छुक हो पर आपको कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं, मैं आपको वीडियो के एंड में एक लिंक दूंगा जहां आपकी डिटेल्स दीजिए, आपको हमारे यहां से कॉल आएगा। एंड अगर आप एलिजिबल हो तो आपको पूरी फैसिलिटी देके प्लाज्मा डोनेशन के लिए लाया जाएगा। अब आप कैसे चेक कर सकते हो कि आप प्लाज्मा डोनेशन के लिए एलिजिबल हो कि नहीं? तो आपको क्या करना है, आप एक बार आपका रिपोर्ट नेगेटिव आ जाता है, राइट, या एक बार आप कोविड में से रिकवर हो जाते हो, आपका क्वारंटाइन पीरियड खत्म हो जाता है, उसके बाद आपका कोविड का पॉजिटिव रिपोर्ट जो है वो लेके आप आपके नजदीकी कोई भी ब्लड बैंक में जा सकते हो, राइट, एंड वहां जाके आप उसे बताइए, प्लस साथ में आपका फोटो आईडी प्रूफ या आधार कार्ड दीजिए, वो आपका एंटीबॉडी टेस्ट करेंगे एंड आपको साथ में ये भी बता देंगे कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। अगर आप एलिजिबल हो तो आप इस सुकृत के अंदर सहभागी बनके किसी की कोरोना में जान बचाने के लिए एक सपोर्ट बन सकते हो। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर ही कोरोना में लोगों की जान बचा सकता है, हम भी एक माध्यम बन सकते हैं। हाँ, खाली आप जब भी प्लाज्मा डोनेशन के लिए जाने वाले हो तो एक प्लान बना के रखिए, बिकॉज इट मे इन्वॉल्व 2-3 आवर्स। पहले से आप ब्लड बैंक को बता दीजिए एंड आप जब जाते हो तो आपके साथ COVID-19 का रिपोर्ट, राइट, आप लेके जाना, जिस और आधार कार्ड लेके जाना, जिससे आपकी प्रोसेस और इजी हो जाएगी। प्लस फ्रेंड्स, एंड में आप सब लोग वीडियो के स्टार्टिंग से सोच रहे होंगे, सर प्लाज्मा डोनेशन सेफ है? एब्सोल्युटली, जो डोनर है उसके लिए एकदम सेफ है। हाँ, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, अगर 10 लोग डोनेट करते तो 1 या 2 को थोड़ी डिजीनेस या डिहाइड्रेशन हो सकता है, पर वो एकदम नेचुरल प्रोसेस है, उसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ फ्रेंड्स, और प्लाज्मा डोनेशन से आपके एंटीबॉडीज भी कभी रिड्यूस होते नहीं है। प्लस
प्लाज्मा डोनेशन एंड कोविड केयर सेंटर्स अलग अलग चीज है, तो वहां जाने में आपको कोई दिक्कत या कोई रिस्क नहीं होता कि आप इंफेक्टेड हो जाओगे। सो फ्रेंड्स, ये सुनने के बाद अगर आप प्लाज्मा डोनेशन करना चाहते हो तो फ्रेंड्स अहमदाबाद ब्रांच ऑफ डब्ल्यूआरसी ऑफ आईसीआई यानी अहमदाबाद की सीए इंस्टीट्यूट प्लस सुकृत परिवार चैरिटेबल ट्रस्ट प्लस रेड क्रॉस ने मिलजुल के एक प्लाज्मा डोनेशन ड्राइव शुरू किया है, जिसके अंदर आप स्क्रीन के ऊपर एक लिंक देख पा रहे हो, दैट इज टाइनी सीसी आईसीआई डोनेट्स प्लाज्मा, उसके ऊपर आप रजिस्ट्रेशन करवा दो, राइट? एंड आपको रेड क्रॉस के पास से कॉल आ जाएगा एंड अगर आपको जरूरत पड़े तो आपको पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। आपको हर एक सुविधा देते हुए आपका स्वास्थ्य प्रायोरिटी है हमारे लिए, उसको ध्यान में रखते हुए हम प्लाज्मा डोनेशन करवाएंगे, जिससे फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया आप एक बार डोनेट करके 3 लोगों की जान बचाने में हमें हेल्प कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस सिचुएशन में हम देखते हैं कि कैसे हेल्थ वर्कर्स, कैसे डॉक्टर्स, राइट, कैसे पैरामेडिकल स्टाफ भाग रहे लोगों को बचाने के लिए। तब अगर हमें लग रहा हो कि हम कुछ नहीं कर पा रहे तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, हम भी किसी की जान बचाने में सहायक बन सकते हैं। कैसे? तो पहले तो अगर हम एलिजिबल है तो प्लाज्मा डोनेट करके, अगर हम एलिजिबल नहीं है तो दूसरों को मोटिवेट करके, और अभी के अभी इस वीडियो को जितनों के साथ हो पाए उतनों के साथ शेयर करके। एंड फ्रेंड्स, कल मैंने आपके साथ ब्लड डोनेशन की भी बात की थी, उसका भी वीडियो है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप देख लीजिए। एंड अगर आप ब्लड डोनेट भी करना चाहते हो वैक्सीनेशन लेने से पहले तो इट इज वेरी मच एडवाइजेबल। एंड फ्रेंड्स, अगर आप अभी कोविड में से आप कोविड में से रिकवर हुए और बाद में आप वैक्सीन लेने वाले हो तो एक बार जस्ट चेक कर लेना फ्रेंड्स, अगर आप प्लाज्मा डोनेट करने के लिए एलिजिबल हो तो प्लीज 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 बिफोर टेकिंग वैक्सीन प्लीज यू डोनेट प्लाज्मा। एंड अगर आपको फ्रेंड्स कोई भी प्रकार की क्वेरी हो विद रिस्पेक्ट टू प्लाज्मा डोनेशन, देन आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं एक्सपर्ट्स को पूछ के उसका रिप्लाई आपको दिलवा दूंगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। एंड फ्रेंड्स, आपको इसी चैनल के ऊपर ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी सेल्फ डेवलपमेंट की वीडियोस मिलते रहेंगे। सो अगर आप फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड यू कैन ऑलवेज गेट कनेक्टेड टू मी ऑन दिस नंबर, आई विल ऑलवेज बी हेल्पफुल टू यू टू सपोर्ट यू। एंड अगर अभी तक हम कनेक्ट नहीं हुए, ये हमारा फर्स्ट संवाद है, देन माईसेल्फ सी ए फेनल शाह, राइट, अ लाइफ कोच, एंड मैं हमेशा प्रयास करता रहता हूं कि मैं जिस भी तरीके से लोगों को सहायक हो पाऊं मैं सहायक हूं। और आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जस्ट फेनल स्पार्क सर्च कीजिए एंड आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई रिक्वेस्ट सिंसियरली कि अगर आपसे हो पाए तो प्लीज 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 प्लाज्मा डोनेशन में कोई भी तरीके से हमें सहायक बनिए। एंड अगर आप इस इनिशिएटिव में वॉलंटियर भी करना चाहते हो तो भी कमेंट बॉक्स में आपका नंबर लिख दीजिए, आर वॉलंटियर्स विल कनेक्ट यू एंड विल ज्वाइन यू to this particular initiative. God bless you with tons and tons of positive vibes, immunity and good health. Bhagwan aapko raksha kare, right? Aur hum sab in dinon mein se pasar ho jane wale us shubh bhavna ke saath. Thank you. See you soon.